दोस्तों, हम लोग अभी पारादीप से लगभग 12-13 किलोमीटर पीछे भुतमुंडी ओवर ब्रिज पर खड़े हैं, जो जाकर नदी बहुत बड़ी नदी है, जाकर समुद्र में मिलती है। और जैसे ही पुल के पीछे से थोड़ा सा पीछे हैं, यानी पुल पे चढ़ गए हैं हम लोग, पुल पे लगभग 300-400 मीटर चढ़े हैं। अभी 1 किलोमीटर से थोड़ा कम पड़ेगा लगभग, ये बड़ी बहुत बड़ी पुल है और इसी पे बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है। पुल के ऊपर में हम लोग एक साइड में सारा गाड़ी खड़ा है, ये भी देखिए सीरियल में गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी जा रहा है, देखिए हम लोग गाड़ी हिल रहा है कैसे, देख रहे हैं पुल पे गाड़ी जा रही है, वो तो दूसरा कोई गाड़ी है, हमारा जो भी आयरन गाड़ी है वो सीरियल में है। और इस साइड में नदी है बहुत बड़ी, मतलब कि जो भी पुल का नदी होता है, और इतना तेज तूफान आया है, हमारा तो लगता है तिरपाल उड़ ही गया होगा, इसका बेचारा का उड़ गया है आधा, देखिए बचा हुआ है, देख रहे कितना तेज, मतलब कि बिजली चमक रहा है। डर हमको नहीं लगता है, लेकिन वाकई में डर इसलिए लग रहा है कि रात के 2 बजे अगर गाड़ी गिर गया पुल के अंदर तब तो बचना मुश्किल है। हम लोग को पता नहीं था ना कि तूफान आने वाला है, पता भी होता तो भाई सीरियल में जाना ही है, सीरियल अब जहाँ जाएगा आपको सीरियल में, सीरियल के पीछे ही सीरियल लगाना है। और किस्मत देखिए कि पुल के ऊपर ही आके सीरियल रुका, उसके बाद तूफान उफान आ गया, क्या किया जाए। इसका साउंड इतना डेंजर है ना, गाड़ी इतना तेज हिल रहा है, सबसे बड़ी बात है, बस पुल मत निकल जाए, दिक्कत हो जाएगा रात में। और हम आपको दिखा देते हैं कि नदी के नीचे पानी कितना गहरा है या कितना दूर तक पानी है, लेकिन बारिश इतना तेज है कि दरवाज़ा, हम लाइट जरा के दिखा दे रहे हैं आपको, इधर देखिए ये दरवाज़ा बंद है और इधर दरवाज़ा बंद किया है, देखिए पानी उधर से आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा होगा, देखिए उधर इतना तेज है कि ऊपर से यहाँ से पानी आ रहा है, देखिए देख रहे हैं, ये हमारे जो लोकिंग गिलास है देखिए कैसे हिल रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए नीचे से, इतना तेज जो हिल रहा है वो नॉट बोल्ट पे है फिर भी उतना हिल रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो गिलास है, इससे हमको पीछे देखना पड़ता है, इसको लोकिंग गिलास बोलते हैं, जो उसके उस साइड में है, देखिए कैसे हिल रहा है वो, देख रहे हैं वाकई में कसम से बहुत तेज गाड़ी भी बहुत हिल रही है, हमको डर लग रहा है, और सीट वोट सब भींग गया है, थोड़ा बहुत पानी आया है अंदर, ऐसी बात नहीं है, बारिश हो रही है। और हम पंखा चलाए हैं, ये गर्मी हो रहा था, पंखा बंद कर दे रहे हैं, और इधर से हम आपको खोल के दिखा दें, जो पुल का होता है ना बाउंड्री, ये देखिए बारिश कैसे तेज है, हवा बहुत ज़्यादा तेज है, ये रही नदी बंद कर, जो होगा वो देखा जाएगा। तो हमारे ड्राइवर भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप लोग सीरियल में हो तो अगर तूफान का मौसम बने तो ब्रिज के ऊपर आप गाड़ी मत चढ़ाएं, भले आपकी गाड़ी पीछे हो जाए, हमको पता नहीं था, शायद किसी को पता नहीं था, मौसम सही था जब हम लोग चढ़ाए, और आधा घंटा या 20 मिनट मान लीजिए, 20 मिनट के बाद ये मौसम इस तरीके से बदल गया कि कितने लोग ड्राइवर तो सो गए हैं, दिन भर चलाए हैं बेचारे, तुमको पता ही नहीं है, और हमको नींद नहीं आ रहा, और जो होगा देखा जाएगा, क्या करें, पीछे लेके जा नहीं सकते हैं, और आगे नंबर काट के सोचे कि हम ब्रिज के आगे चले जाएं तो भी दिक्कत है, इसलिए कि अगर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा हमारा गाड़ी तो फिर भाई अब आश्वासन में हमको माल नहीं मिलेगा और मालिक हमको हमारा मर्डर ही कर देगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस बार, 1-2 गाड़ी काट के हम आगे चले गए थे किसी वजह से, तो अब तो ऐसी गलती करेंगे नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, अब सोया जाए, नींद तो बहुत अच्छा है, गाड़ी हिल रहा है, डर तो लग ही रहा है, अब क्या किया जाए। आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा कि अगर मौसम ख़राब हो और ऐसे भी समुंदर के साइड में जब तूफान उफान आने वाला हो ओवर ब्रिज के ऊपर, हो सकता है कि गाड़ी इतना ज़्यादा है ना, दिक्कत है कि एक साइड में गाड़ी लगा हुआ है, पुल के एक साइड में है,
और दाहिने साइड खाली है, टोटल गाड़ी बाएं साइड में सीरियल लगा है और दाहिने से ही मतलब कि हवा आ रहा है। अगर ज़्यादा लोड पड़ा तो बाएं उलट भी सकता है फुल, इसी चीज़ का दिक्कत है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा।